दैट इज स्ट्रेट लाइंस। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट चैप्टर है, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन। आई होप आपको ये तो पता ही है कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। एक ऐसी लाइन, जैसे मैं बना दूं अब ये स्ट्रेट लाइन, इसे हम बोलते हैं ना, तो इसकी स्लोप का क्या मतलब है, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। लेट्स से हमारे पास ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और यही स्ट्रेट लाइन को हम मान लेते हैं, ये अपनी स्ट्रेट लाइन है ना। इसको मैं और एक्सटेंड कर देता हूँ पीछे की तरफ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट होती है, इधर भी जाएगी एंड सिमिलरली इस साइड भी आएगी। इसको हम डॉटेड की बजाय एक डार्क लाइन से भी शो कर सकते हैं। तो ये अपनी सिंगल एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है कि आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, दिस इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहां से आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, हमने एंगल मेजर करना स्टार्ट किया, और जो ये एंगल थीटा बना, और इस थीटा का हमने जब टेंजेंट लिया, टैन थीटा, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, एंड इसको हम जनरली एम से डिनोट करते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हुआ, यहां पे डेफिनेशन लिख लेते हैं, दैट इज टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। सो स्लोप क्या हुआ, एक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, उसका जो टेंजेंट हमने लिया, टैन थीटा लिया, दैट इज रिप्रेजेंटेड, दैट रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ द लाइन। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, लेट्स से आई टेक फर्स्ट एग्जाम्पल, और हमने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया इस तरह से, एंड लेट्स से यू हैव लाइन हेयर, और इस लाइन ने अगर 30 डिग्री एंगल बनाया इसके साथ, तो इस लाइन की स्लोप क्या हो गई, दैट विल बी टैन ऑफ 30 डिग्री, दैट इज 1/√3, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसी कोऑर्डिनेट प्लेन में एक और लाइन ड्रॉ करूं, मान लिया इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ कर दी हमने, और इसने जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाया, वो लेट्स से 135 गिवन है, तो इसकी स्लोप विल बी टैन ऑफ 135 डिग्री, जो कि हमें पता है दैट इज इक्वल टू -1। अब क्या होता है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ आप एंगल बना रहे हो ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो नहीं है। लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस का यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट से आप इस तरफ एक डायरेक्शन लिया आपने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो वहां से जब आपने एंगल बनाना स्टार्ट किया तो इस लाइन तक गए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट विल बी द एंगल दैट विल बी यूजिंग इन टैन थीटा टू फाइंड द स्लोप। तो ये ऐसा नहीं है कि अब मैंने नेगेटिव से शुरू किया तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई। अगर हम नेगेटिव से करते तो हम इधर से करते, तो वो डायरेक्शन मैटर कर रही है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या है, उस डायरेक्शन से लेके आपने लाइन की तरफ जाना है, एंड जो भी एंगल बनेगा दैट विल बी अ पार्ट ऑफ एम इज इक्वल टू टैन थीटा फॉर्मूला, ठीक है। लेट्स ड्रॉ वन मोर लाइन इन अ सेपरेट कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें मान लिया कि लाइन इस तरह से है, एंड लेट्स से द एंगल मेड बाय दिस लाइन इज 60 डिग्री है। अब फिर से आप देखिए कि डायरेक्शन हमने इस तरह लिया ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, और उसके बाद ये एंगल मेजर किया, ये यहां से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ शुरू हो रहा है। तो इसकी स्लोप विल बी एम इज इक्वल टू टैन ऑफ 60 डिग्री, दैट इज नथिंग बट √3। सो आई होप दिस सिंपल कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। इस पे एक दो चीजें हम ध्यान देने वाली ये हैं, नोट लिख लें हम। नोट वन इज के अगर लाइन
अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और लाइन अपनी इस तरह से बन रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेट्स से ऐसे लाइन बन गई, एक ऐसे बन गई, ठीक है। ये जो सारी लाइंस हैं ये लेस देन 90 डिग्री एंगल बना रही है ना, ऑल दीज लाइंस आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 to 90 डिग्री। तो इन सारी लाइंस की जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव स्लोप आएगी, बिकॉज टैन थीटा जब हम लेंगे एंड थीटा जब 0 to 90 डिग्री के बीच होगा उस समय एम की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। सिमिलरली नोट टू में अगर लाइंस हम कुछ इस तरह से बनाएं, इस डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, तो इस सिनेरियो में एम की वैल्यू नेगेटिव आएगी, बिकॉज टैन थीटा जो है उसमें जो थीटा है वो अपना पाई बाय टू से लेके पाई तक जा रहा है, तो उस सिनेरियो में एम की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो एम की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, एम की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। तीसरा कि कई बार क्या होगा कि मान लो आपकी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो जब लाइन आपकी पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इफ दिस इज योर लाइन एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव, तो अगर ये लाइन पैरेलल आ रही है वाई एक्सिस के तो ये एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, तो इस सिनेरियो में एम 90 डिग्री बनेगा, दैट विल बी नॉट डिफाइंड। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि अगर एम नॉट डिफाइंड आ रहा है ना तो उस सिनेरियो में लाइन विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर एम नॉट डिफाइंड है तो उस सिनेरियो में लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। इसी तरह से अगर हम एक लाइन बनाएं जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, लेट्स से दिस लाइन, तो ये सिंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रही है, अगर ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज योर लाइन, सो इस सिनेरियो में जो एंगल बनेगा दैट विल बी 0 डिग्री एंड टैन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो अगर स्लोप 0 आ रही है तो उस सिनेरियो में लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऑलराइट, तो ये तीन चार स्पेशल केसेस हमें ध्यान रखने हैं कि स्लोप पॉजिटिव कब होगी एंड नेगेटिव कब होगी, एंड स्लोप जब नॉट डिफाइंड होगी तो लाइन विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड अगर स्लोप 0 है तो लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मूविंग फर्दर टू आर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज इंटरसेप्ट। वी हैव अ कोऑर्डिनेट सिस्टम हियर एक्स वाई प्लेन, एंड ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी। सो दिस पोर्शन, ठीक है, ओरिजिन से लेके जहां पे इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कट किया, मान लो ये चीज ए है एंड दिस थिंग इज बी, ओरिजिन से लेके वाई एक्सिस तक, ठीक है, जहां पे लाइन कट कर रही है, तो जो अपना ये ए आया ना इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स इंटरसेप्ट। और जो बी है दैट इज नोन एज पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट। अगर मैं यही लाइन कुछ इस तरह से बनाता, लेट्स सी दिस वी कॉल बी एंड दिस वी कॉल माइनस ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में जा रहा है, तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट अगेन, एंड नाउ दिस थिंग विल बी नोन एज नेगेटिव एक्स इंटरसेप्ट। तो ये तो हुआ पहला कॉन्सेप्ट कि पॉजिटिव इंटरसेप्ट क्या हुआ और नेगेटिव इंटरसेप्ट क्या हुआ, एंड इंटरसेप्ट इन जनरल हम किसे बोलते हैं कि ओरिजिन से लेके जहां तक लाइन ने कट किया उस पर्टिकुलर एक्सिस पे
दैट इज नोन एज इंटरसेप्ट। इसमें अब एक दो स्पेशल केसेस हैं। फर्स्ट वन, फर्स्ट नोट विल बी कि कहीं पे लिखा हो इफ अ लाइन मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन बोथ एक्सेस, देन इट्स स्लोप इज प्लस माइनस वन। उसका रीजन क्या है वो भी देख लेते हैं। मान लो कि लाइन अगर इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है तो वो या तो इस तरह से होगी लाइन, इसमें इंटरसेप्ट ये भी लेट से ए आया और ये भी ए आया, तो ये आइसोसेलस ट्रायंगल बन गया। अब जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल आएगा 45 डिग्री, बिकॉज ये 90 है तो ये भी 45 एंड ये भी 45, तो ये एंगल आया 135। एंड इस सिनेरियो में एम विल बी टैन ऑफ 135 डिग्री, दैट इज इक्वल टू माइनस वन। और अगर लाइन हम इस तरह से बनाएं, अब कहने को तो ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है और ये इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है, लेकिन अगर लेंथ की बात करें हम तो लेंथ तो दोनों की सेम ही है, ए और ए, तो इस केस में एम विल बी टैन ऑफ 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू प्लस वन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लाइन इस तरह से बनी तो माइनस वन आया, अगर इस तरह से बनी तो प्लस वन आया, अगर इक्वल इंटरसेप्ट बन रहे हैं तो। अब इस केस में हम इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं कि पॉजिटिव इंटरसेप्ट है या नेगेटिव इंटरसेप्ट है, कोई भी इंटरसेप्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। ओनली थिंग इज लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट शुड बी सेम इन बोथ द केसेस। सो एज लॉन्ग एज लेंथ इज सेम तो फिर m की वैल्यू प्लस वन या माइनस वन आ सकती है। ठीक है, इसी चीज से हम एक दो पॉइंट और लिख सकते हैं कि अगर इफ स्लोप इज प्लस वन देन x एंड y इंटरसेप्ट आर ऑफ ऑपोजिट साइन, बिकॉज एक पॉजिटिव होगा एंड एक नेगेटिव होगा। और यही अगर स्लोप अपनी, इफ स्लोप इज माइनस वन देन एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट आर ऑफ सेम साइन, ये भी पॉइंट्स हम ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड एंड सी द फॉर्मूला फॉर स्लोप ऑफ द लाइन व्हेन यू हैव टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन। आपको लाइन पे लाई करते दो पॉइंट्स गिवन है, तो उस सिनेरियो में आप स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ। लेट्स से यू हैव दिस लाइन एंड यू हैव वन पॉइंट with coordinates x1, y1 and another point with coordinates x2, y2. अब इस scenario में आप यहाँ पे इस तरह से एक perpendicular drop कर सकते हैं and you can drop another perpendicular here. ठीक है, तो ये अपना theta बनेगा और ये distance अगर मैं इसको a बोल देता हूँ, we call it b and let's call this point of intersection as c, तो ये angle 90 degree है, तो bc की value will be y2 माइनस वाई वन एंड ए सी की वैल्यू विल बी एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इस ट्राइंगल में टैन थीटा विल बी इक्वल टू बी सी ओवर ए सी, दैट इज वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, दैट इज टैन थीटा। अब आप देखें कि ये जो थीटा है वही थीटा यहाँ पे बनेगा, बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे, तो मतलब ये जो टैन थीटा अपना आया दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द लाइन। तो ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन इस चैप्टर का, आप कह लीजिए कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने ड्राइव कर लिया है कि स्लोप अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है लाइन पे, तो उस लाइन की स्लोप आप इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, दैट विल बी द स्लोप ऑफ लाइन वेयर टू पॉइंट्स आर
एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू। आप चाहो तो एक्स वन माइनस एक्स टू यहाँ पे एंड वाई वन माइनस वाई टू न्यूमिरेटर में लिख सकते हैं माइनस कॉमन निकालने के बाद, दैट डजेंट मैटर। बट ऊपर वाई के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस एंड नीचे उसी ऑर्डर में एक्स के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस आना चाहिए। एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं जस्ट टू गिव यू अ मच बेटर आइडिया। मान लिया कि लाइन पे लाई करते दो पॉइंट्स 2,3 है एंड दूसरा पॉइंट है 4,7। ये दो पॉइंट्स लाइन पे लाई कर रहे हैं, हमें स्लोप ऑफ लाइन ए बी फाइंड आउट करना है। एम ए बी दैट विल बी 7-3। हमने इसको पहले लिखा है एंड इसके वाई कोऑर्डिनेट को बाद में, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पहले आएगा एंड इसका एक्स कोऑर्डिनेट बाद में। सो 7-3 इज 4/2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लोप क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन बनाऊँ तो अपनी लाइन की जो डायरेक्शन आएगी वो इस डायरेक्शन में लाइन आएगी, है ना। एंगल विल बी लेस देन 90 डिग्री, दैट इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट विल बी फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। ऑब्वियसली इट विल नॉट बी 0। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। द क्वेश्चन सेज अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1,0 एंड 2,1 इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज अबाउट पॉइंट 1,0 बाय एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन इन न्यू पोजिशन। ऑल्दो अभी हमने चैप्टर स्टार्ट करा है एंड दिस क्वेश्चन इज अ बिट ट्रिकी वन, बट अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा बिकॉज यू आर गोइंग टू डू इट इन अ वेरी ईजी मैनर। देखिए ये अपना कोऑर्डिनेट प्लेन आया एंड अपनी लाइन 1,0 एंड 2,1 से पास कर रही है ना, तो 1,0 कहीं यहाँ पे होगा एंड 2,1 शुड बी अराउंड हेयर। तो लाइन अपनी कुछ इस तरह से आ गई है ना, इतनी लाइन बनाते हैं। अभी आगे भी एक्सटेंड होगी कोई उसमें डाउट नहीं है, लेकिन हम इतनी ही लाइन बना रहे हैं। दिस इज 1,0 एंड दिस इज 2,1। अब इस लाइन को आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया 1,0 के अबाउट और 15 डिग्री से रोटेट किया, तो आई एम मेकिंग अ न्यू लाइन। ये अपनी पहले लाइन थी, इसको हमने 15 डिग्री से रोटेट किया। देखिए ये अपनी पहले लाइन थी, इसको हम फिर से 15 डिग्री पे रोटेट करते हैं, तो यहाँ पे अगर इस तरह से लाइन बनी दिस एंगल विल बी 15 डिग्री। अब हमें इस लाइन की स्लोप चाहिए, वी नीड टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन इन न्यू पोजिशन। उसके लिए हमें ये एंगल तो पता है, अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो वील एड दीज टू एंगल्स एंड देन वील फाइंड द स्लोप। तब ये एंगल अगर मैं थीटा मानूँ तो थीटा की वैल्यू हम टैन थीटा से निकालते हैं। टैन थीटा विल बी 1-0/2-1, यही है स्लोप का फॉर्मूला। सो दिस इज नथिंग बट 1। तो 1 आया तो थीटा की वैल्यू फिर कितनी आई, 45 डिग्रीज हो गया, बिकॉज टैन 1 कब वैल्यू देता है, जब 45 डिग्री एंगल होता है। तो 45 + 15, तो अपना एक्चुअल एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री बन गया। तो उस सिनेरियो में अपनी रिक्वायर्ड स्लोप विल बी एम इज इक्वल टू टैन ऑफ 60 डिग्री, दैट इज √3। तो ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। मतलब अगर हम फिगर बना लें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्पेशली अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो वहां से आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट रीड करते रहेंगे तो आपको सोचना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सो दीज आर टू कॉन्सेप्ट्स, इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ अ लाइन। और नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इन वेरियस फॉर्म्स फर्स्ट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी,
वो हम देखने जा रहे हैं. सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस दैट इज वाई इज इक्वल टू जीरो, ये आपको याद रखना है. एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इज इक्वल टू जीरो. अब इसको समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों आ रहा है. ऑल दो जब आप बाकी फॉर्म्स करेंगे तब आपको ये बेटर समझ पाएंगे. अभी मैं फिलहाल आपको जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे समझा रहा हूँ कि अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो इसमें आप कोई भी पॉइंट लो उसमें वाई का कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो आता है. तो इस तरह से ये इक्वेशन बनी वाई इज इक्वल टू जीरो. एंड वाई एक्सिस की इक्वेशन आप देखें तो उसमें आप कोई भी पॉइंट लें वाई एक्सिस पे लाई करता तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट जीरो आएगा. तो ये बेसिकली इक्वेशन वाई एक्सिस की हम इस तरह से समझ सकते हैं. इसको हम स्लोप से भी समझ सकते हैं जब हम अगली आने वाली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड स्लोप पॉइंट फॉर्म वगैरह पढ़ लेंगे तो उसके बाद. फिलहाल आप याद रखिए कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इज इक्वल टू जीरो एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इज इक्वल टू जीरो. कहने का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस में वाई वाली चीज़ें गवर्न करती हैं एंड वाई एक्सिस में एक्स वाली चीज़ें गवर्न करेंगी. इसको हम सेकेंड फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म तो नहीं है, दैट इज सेकेंड कॉन्सेप्ट, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्सिस. जो लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल हैं तो उनकी इक्वेशन क्या होगी वो हम देखने जा रहे हैं. तो मान लो ये अपना एक्स वाई प्लेन है. सबसे पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस हम देखते हैं. लेट्स सी दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो इस सिनेरियो में इस लाइन की इक्वेशन अगर ये किसी भी पॉइंट से पास कर रही है, मान लो यहां पे एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका वाई कोऑर्डिनेट हमें चाहिए बस, मान लो दिस पॉइंट इज ए कॉमा बी. तो अगर ये लाइन ए कॉमा बी से पास कर रही है तो और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उस सिनेरियो में इसकी इक्वेशन जो भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगी उस उन लाइंस में वाई वाली चीजें गवर्न करेंगी. मतलब इसकी इक्वेशन आएगी वाई इज इक्वल टू बी. जो लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी उनमें वाई वाली चीजें गवर्न करेंगी, इधर वाई कोऑर्डिनेट और यहाँ पे वाई इज इक्वल टू समथिंग. सिमिलरली आप देखिए अगर एक्स एक्सिस की हम इक्वेशन की बात करें तो वो 0,0 से पास कर रही है तो इसलिए उसकी इक्वेशन हम वाई इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं. अगर मैं कोई और लाइन इसी में बनाऊं, लेट्स से आई हैव दिस लाइन एंड दिस पासिस थ्रू 2,-3, अगर यहाँ से पास कर रही है तो इसकी इक्वेशन विल बी वाई इज इक्वल टू -3. जितनी भी लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी उनमें वाई गवर्न करेगा, ये आप याद रखिए. इसके बाद लेट्स फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो अगर ये लाइन है अपनी पैरेलल टू वाई एक्सिस तो इसकी इक्वेशन इफ दिस पासिस थ्रू ए कॉमा बी, सो इसमें एक्स वाली चीजें गवर्न करेंगी एंड इक्वेशन विल बी एक्स इज इक्वल टू ए. वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस में एक्स वाली चीजें गवर्न करेंगी, एक्स कोऑर्डिनेट और इधर भी एक्स, एंड एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस में वाई वाली चीजें गवर्न करेंगी. अगर मैं एक और एग्जांपल लूं कि ये लाइन बना ली हमने, लेट से दिस पास थ्रू 1,5, तो इस सिनेरियो में इस लाइन की इक्वेशन विल बी एक्स इज इक्वल टू 1. बिकॉज इसमें आप देखें कोई भी पॉइंट ले उसमें एक्स की वैल्यू 1 आ रही है. इसमें आप कोई भी पॉइंट लोगे उसमें एक्स की वैल्यू ए आएगी. इसमें आप कोई भी पॉइंट लोगे उसमें वाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट आ रही है, दैट इज वाई इज इक्वल टू बी. इसमें आप कोई भी पॉइंट लो उसमें वाई की वैल्यू -3 आ रही. तो ये बेसिकली यूनिक प्रॉपर्टीज हैं इन लाइंस की, तो इसलिए हम इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अब चलते हैं आगे